दोस्तों, आज मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चलिए जानते हैं कि क्या है वो कहानी जिससे मेरा तबीयत ख़राब हो गया और आप लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, हुआ क्या, मैं खेत गया था और मेरे पास साइकिल भी नहीं था, साइकिल पंचर था और मैंने छाता भी नहीं लिया था। तो मैं खेत गया था ऐसे घूमने के लिए और उधर बहुत तेज़ बारिश हुआ, तो मैं 2 घंटे तक उधर भीगता रहा। करीबन 2 बजे थे उस टाइम, तो मैं 2 बजे थे तो मैं बहुत ज़्यादा भीग गया और 3-4 बजे के करीब घर आया और बहुत ज़्यादा भीग गया था, तो मुझे ठंड लग गई और मज़ा आ रहा था उस टाइम भीगने में, बारिश में भीगने के। तो मैं 4 बजे घर आया और मुझे शाम हुआ तो मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया और सर्दी खांसी हो गई और बहुत ज़्यादा तप रहा था मेरा शरीर और ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं मतलब गरम लावे के मैं कूदा था और बाहर आया। उस टाइम ऐसा लग रहा था, इतना ज़्यादा तप रहा था मेरा शरीर। तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था रात को, अभी सुबह हो चुकी है और अभी ठीक लगा मुझे थोड़ा सा, मैंने टेबलेट वगैरह खाया तो ठीक लगा, तो मैं अभी उठा हूँ। और हमारे गांव में तो डॉक्टर भी नहीं है कोई, 10 किलोमीटर दूर से आते हैं डॉक्टर, फ़ोन करोगे आप तब तबीयत ख़राब है डॉक्टर साहब, आप लोग फ़ोन करोगे तब आता है, और 10 किलोमीटर दूर रहते हैं तो हमारे गाँव में और डॉक्टर का सुविधा भी नहीं है। तो मैंने टेबलेट वगैरह खाया, दुकान में जो मिलता है वो टेबलेट खाया, अभी ठीक हूँ मैं। और मैं यही कहना चाहूँगा एंड में कि आप लोग बारिश में मत भीगना, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम तबीयत ख़राब होता है। तो मैं भीगा था तो मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, लिटरली बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तो आप लोग मत भीगना बारिश में, यही कहना चाहूँगा। और अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और मैं फिर से लौटूंगा 1-2 दिन के बाद। और मैंने एक वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा है, उसको शूट करना है, तो 1-2 दिन में मैं उस वीडियो को शूट करूँगा। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं जल्द लौटूँगा, तो 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, तो कर लीजिएगा वेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।